गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट पीटी ऑफ चैप्टर 9। तो बेटा कल हमने वर्कशीट 2 है उसका आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आज हम पीटी उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पीटी के क्वेश्चन देखिए, जो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं अभी तक। तो एक पीटी का क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। ए रेस बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1.5 आवर। एक रेस बोट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो डाउनस्ट्रीम में 1.5 आवर में कवर करती है। इट कवर्स दिस डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम में ये 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर करती है। द स्पीड ऑफ द रेस बोट इन स्टिल वाटर इज 35 किलोमीटर पर आवर। रेस बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में 35 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्या फाइंड आउट करना है आपको? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको फाइंड आउट करना है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो बेटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन पहले की है स्पीड ऑफ रेस बोट, स्पीड ऑफ रेस बोट, स्पीड ऑफ रेस बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर बोलिए क्या स्पीड है? 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो फाइंड आउट करना है उसको लेट कर देते हैं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम है उसकी स्पीड लेट कर देते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो रेस बोट है वो डाउनस्ट्रीम के 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में 1.5 आवर ले रहा है। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे स्पीड ऑफ रेस बोट। बेटा रेस बोट वाटर बोट या स्टीमर तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रेस बोट डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में रेस बोट है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मैंने कल आपको बताया था डाउनस्ट्रीम होता है जिस साइड में वाटर फ्लो करे, और रेस बोट भी सेम डायरेक्शन में जाए वो होता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और वाटर तो इस डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, और रेस बोट उसके सामने की डायरेक्शन में आ जाए तो वो होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में टाइमिंग है वो क्या होता है? कम लगता है, और अपस्ट्रीम में टाइमिंग वो ज्यादा लगता है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का था हमें, अब हमें ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन में ये जो रेस बोट की जो स्पीड है ना वो 35 है और स्टीम की स्पीड है x, तो ये हो जाएगा 35 प्लस में x किलोमीटर पर आवर, 35 प्लस में x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको 35 प्लस x किलोमीटर पर आवर लिखेंगे या फिर x प्लस 35 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, हालांकि प्लस में तो कोई बात नहीं है, सेम ही रहेगा, लेकिन माइनस में देखिए आप। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जो डाउनस्ट्रीम में कितने आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.5 आवर में। यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1.5 आवर, 1.5 आवर का मतलब क्या हो गया? 1.5 घंटा हो गया। इसको भी शिफ्ट कक्ष में चेंज कर देंगे तो 3/2 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर इन 1.5 आवर, तो ये आपके पास में है टाइम। ठीक है, और ये आपके पास में है स्पीड, तो ये स्पीड है, ये टाइम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो जाएगी आपके पास में यहां से 35 प्लस में x, और इसका जो टाइम है वो कितना है? 3/2, तो ये आपके पास में आ गया डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस है वो आया है डाउनस्ट्रीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका अपस्ट्रीम के अकॉर्डिंग स्पीड, तो स्पीड ऑफ रेस बोट अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे 35 प्लस x किया है मैंने डाउनस्ट्रीम में, प्लस बताया था अपस्ट्रीम में माइनस करेंगे, तो यहां पे लिखा जाएगा 35 माइनस में x। ठीक है, यहां पे अगर मान लिया आपने x माइनस 35 कर दिया ना, तो आपका है ना सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, 35 माइनस x लिखा जाएगा, क्योंकि जो आपके पास रेस बोट है ना उसमें से स्ट्रीम माइनस करेंगे, ना कि स्ट्रीम में से रेस बोट माइनस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 35 माइनस x लिखेंगे इसको।
ठीक है। फिर लिखेंगे यहां से डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड। बोलिए आप स्क्रीन पर उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 hours का, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours। अब 2 hours है वो उसको आप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है, तो ये आप स्ट्रीम का डिस्टेंस है, स्पीड है, और ये इसका टाइम है, तो डिस्टेंस जो रहेगा स्पीड इन टू टाइम, ये इसकी क्या हो गई स्पीड हो गई, इसका टाइम है 2। समझ गए, ठीक है भाई। तो ये आपके पास में डिस्टेंस आ गया डाउन स्ट्रीम का, ये डिस्टेंस आ गया अप स्ट्रीम का, दोनों में डिस्टेंस है, इसको इक्वेशन नंबर ऐड कर लो 1, इसको ऐड कर लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है, सेकंड में भी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 35 प्लस मैक्स इनटू 3/2 है, और सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है, और सेकंड के राइट हैंड साइड में 35 माइनस x इनटू 2, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट की ये राइट हैंड साइड है, ये सेकंड की राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 35 प्लस में x इनटू में 3/2 इक्वल टू 35 माइनस में x इनटू में क्या है 2, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं इसका, ये इसका डिनोमिनेटर है 3/2 और इसके अपॉन लगा देंगे, तो ये भी फ्रैक्शन हो गया, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमेरेटर से, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमेरेटर से, ठीक है। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 35 प्लस x को किससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा भी 35 प्लस में x, 35 प्लस में x इनटू में 3 इक्वल टू, अब 2 इस न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 इनटू 35 माइनस में x और इनटू में 2, ठीक है। कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 और 9 × 10 प्लस में 3x इक्वल टू, ठीक है, 2 × 2 कितने हो गए 4, 4 को 35 से करेंगे तो हो जाएंगे 140 माइनस 4 को x से करेंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, जो वेरिएबल्स है ना उन सभी को लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, टू इंस्टेंट उनको राइट हैंड साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, ठीक है, 140 माइनस में 35 इधर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोई 7x इक्वल टू 35, और x इक्वल टू 35 अपॉन में 7 से कैंसिल कर देंगे 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बोलिए क्या आ गया आपके पास में, क्या आ गया x की वैल्यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में आपने क्या लेट कर रखा था यहाँ पे x, x की वैल्यू आ गई 5, इधर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में, एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन का आपको क्या होगा ध्यान रखनी है, डाउन स्ट्रीम के केस में तो मैंने बताया था प्लस होता है, अपस्ट्रीम को माइनस होता है, ये पहले ही बताया था मैंने, लेकिन ध्यान यहां पर यह रखना है डाउन स्ट्रीम के केस में जो रेस बोट की स्पीड है उसके अंदर स्ट्रीम प्लस हो रहा है, 35 प्लस x हो गया, ठीक है। अब अपस्ट्रीम के केस है ना, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होगा जो रेस बोट है ना उसमें से स्ट्रीम माइनस होगी, तो ये 35 माइनस x हो गया हमारे स्टेप में, अगर इसी स्टेप में आपने x माइनस 35 कर दिया तो आपका सॉल्यूशन आगे का वो हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वो डिस्टेंस है, तो उन दोनों की राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x हमने क्या लेट कर रखा था स्पीड, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
These sides are the hypotenuse of a right triangle in the ratio 3:4 है। एक right triangle की side जो कि अगर मैं hypotenuse है 3:4 है, मतलब कि एक right triangle की side hypotenuse के अगर मैं 3:4 है, तो hypotenuse के अगर मैं है, it means उसका base और perpendicular है। ठीक है, तो ये side add कर देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी आपके पास अगर quantity ratio में आ गया तो simple perpendicular के साथ उसको add किया, तो ये रहेगा that two sides of right triangle are, तो 3:4 है, तो ये जाएगा भी 3x and 4x, 3x and 4x, ये हाइपोटेन्यूस के अगर देन है तो ये बेस और परपेंडिकुलर में से है। ठीक है, तो जैसे हम एक राइट एंगल बनाते हैं, यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने एबीसी, ठीक है, अब ये इसका क्या हो गया बेस, बीसी क्या है इसका परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड, और राइट एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस के अगर देन है इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर है, तो ये 3x और 4x है वो कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, जैसे यहां पर मैंने 3x ले लिया, मैं यहां पर क्या ले लूंगा 4x। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास बेस है परपेंडिकुलर है, तो उसे हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, उसका हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस के इक्वल टू बेस के प्लस परपेंडिकुलर के, तो वहां से हम इसका हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस के इक्वल टू बेस के प्लस में परपेंडिकुलर के। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूस है एसी, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस है 3x, 3x स्क्वायर प्लस में 4 है, इस 4x है इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू में 9x स्क्वायर प्लस में 16x स्क्वायर। ठीक है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। ठीक है, तो एसी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, एसी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और एक्स के का स्क्वायर रूट क्या होता है एक्स, तो एसी बोलिए आपके पास क्या आ गया 5x, क्या आ गया एसी 5x, इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना आ गया आपके पास में 5x। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूस, एक रेक्टेंगल है वो इसके हाइपोटेन्यूस पर डिस्क्राइब किया गया है, एक रेक्टेंगल है इसके हाइपोटेन्यूस पर बनाया गया है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूस है, इस पर एक रेक्टेंगल डिस्क्राइब किया गया है, तो देखिए एक रेक्टेंगल है वो इसके हाइपोटेन्यूस पर डिस्क्राइब किया गया है, ए सी, इसको नेम दे देंगे ए सी डी ई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, the hypotenuse being the longer side, जो hypotenuse है ना वो rectangle की longer side होगी, ये जो hypotenuse है वो rectangle की longer side है, और rectangle की longer side क्या होती है length, और जो smaller side है वो क्या होती है breadth। ठीक है, फिर question में आगे क्या कह रहा है वो, the breadth of the rectangle is 4/5 of its length, एक रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो लेंथ की 4/5 है, समझ गए, इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो गया 5x, तो यहां से आप लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 5x, तो देयरफॉर ब्रेड्थ, तो जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ इट्स लेंथ, तो 4/5 ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ कितनी है बोलिए 5x, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ब्रेड्थ बोलिए क्या आ गया आपके पास में 4x, तो आपके पास एक रेक्टेंगल की लेंथ आ गई और ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको, क्या गिवन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो
ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ लेफ्ट एंगल है, उसका फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या होता है पैरामीटर ऑफ लेफ्ट एंगल का फॉर्मूला? 2 × length + breadth। क्या होता है पैरामीटर ऑफ लेफ्ट एंगल? 2 × length + breadth = 180। लेंथ बोलिए आपके पास क्या है? 5x। ब्रेथ कितनी है? 4x = 180। 5x + 4x कितने हो गए? 9x। 9 × 2 = 18x = क्या हो गया? 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा भी x = 180/18। और 18 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू बोलिए क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 10। क्या आ गई x की वैल्यू? 10। बोलिए क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड फाइंड आउट करनी है। और ये जो आपके पास में राइट ट्रायंगल है इसकी शॉर्टेस्ट साइड क्या है? 3x। तो यहां से आप लिख देंगे शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड जो है वो क्या है? 3x है। तो 3 × 10 कितना जाएगा? 30 cm आंसर। कितना जाएगा? 30 cm आंसर। एक बार फिर से देखो बेटा, हमें एक राइट ट्रायंगल की टू साइड गिवन है अदर देन हाइपोटेन्यूज। अदर देन हाइपोटेन्यूज का मीनिंग है वहां पर हाइपोटेन्यूज की अदर देन है मींस बेस ऑफ परपेंडिकुलर है। तो हमने एक राइट ट्रायंगल बना दिया, एक एबीसी ले, इसका बेस ले लिया 3x 4x, इसका क्या ले लिया? परपेंडिकुलर। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के हमने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर दिया 5x। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना उसमें एक रेक्टेंगल डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें एक रेक्टेंगल डिस्क्राइब कर दिया हमने, ठीक है। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? रेक्टेंगल की लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 5x हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया। फिर क्वेश्चन में ब्रेथ है वो क्या कह रहा है? 4/5 ऑफ इट्स लेंथ ऑफ 5 × 5x कर दिया, तो ब्रेथ आ गई 4x। पैरामीटर क्वेश्चन में 180 गिवन है, हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। राइट ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड क्या है? 3x। तो 3 × 10 कर दिया तो ये आ गया आपके पास में 30 cm आंसर। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है डिवाइड 243 × 3 parts। 243 है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर ऑल इक्वल। इसका मतलब है 243 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का हाफ, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का हाफ एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर ऑल इक्वल। समझ गए? तो ये जो पार्ट है वो क्या है? इक्वल है। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वो लेट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में। अब लेट ए बी दी फर्स्ट पार्ट, ए बी द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बी बी दी सेकंड पार्ट एंड सी बी डी थर्ड पार्ट, ठीक है। ये हमने ए बी सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है वो लेट कर दिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाफ ऑफ दी फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है? हाफ ऑफ दी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहां पे लिख देंगे आप लोग इनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हाफ ऑफ दी फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ दी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट बताइए आपके पास क्या है? ए, ठीक है। फिर कह रहा है 1/3 ऑफ दी सेकंड पार्ट, 1/3 ऑफ दी सेकंड पार्ट कर दिया। फिर कह रहा है 1/4 ऑफ दी थर्ड पार्ट, 1/4 ऑफ दी थर्ड पार्ट आर ऑल इक्वल। ये जो पार्ट है वो क्या है? आपस में एक दूसरे के इक्वल है,
ठीक है। अब ये जो तीनों पार्ट आपके पास हो एबीसी, ठीक है, वो 243 में डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 243 हो गया, क्या हो गया ए बी सी 243, ठीक है। अब आप देखिए ए है उसको तो ए रख देते हैं हम, अब बी, अब बी है ना, बी बी की वैल्यू हमने ए पे कर दी है, तो ये देखिए आपके पास में ये है, अब बी की वैल्यू वो ए पे करनी है, तो कैसे करेंगे साइड में करके देख लो आप एक बार, ये भाई ए अपॉन में 2 इक्वल टू में है बी अपॉन में 3, ठीक है, तो बी की वैल्यू ए पे करनी है तो हम इसको क्या करते हैं टेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 है वो डिनोमिनेटर चला जाएगा, 3 ए अपॉन में 2 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू ए पे हमने क्या फाइंड आउट कर दी 3 ए अपॉन में 2, तो हम यहां पर लिख देंगे भाई 3 ए अपॉन में 2, ठीक है। फिर से अब हमें क्या करना है, ये सी है ना उसकी वैल्यू ए पे फाइंड करनी है, तो इसको भी ऐसे कर देंगे हम, हम लिख देंगे भाई a अपॉन में 2 इक्वल टू c अपॉन में 4, a अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन में 4, अब c की वैल्यू ये फाइंड आउट करेंगे तो फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 a अपॉन में 2 इक्वल टू c, कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 a इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2 a, c की वैल्यू a में क्या आ गई 2 a इक्वल टू ये क्या है 243, ठीक है। मैंने b की वैल्यू भी a पे फाइंड कर दी, c की वैल्यू भी a पे फाइंड कर दी, अभी सारी वैल्यू मेरे पास a में है, अब मैं यहां से क्या कर दूंगा a की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो उसके लिए बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका LCM 1 2 1 कैसे आएगा, 2 को 1 से क्या करें डिवाइड, डिनोमिनेटर से क्या होता है डिवाइड, 2 को a से क्या करें मल्टीप्लाई, तो 2 a, 2 को 2 से क्या करें डिवाइड, क्या जाएगा 1, 1 तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा अपना 4 a इक्वल टू में है 243, इनको प्लस कर दो i अपॉन 9 a, तो 9 a अपॉन में 2 इक्वल टू में है 243, ठीक है ना, इनका क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 a इक्वल टू 2 की से मल्टीप्लाई जाएगा 243 से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 243 अपॉन में 9, ठीक है, 3 से कैसे कर देते हैं 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 27 54, क्या आ गई ए की वैल्यू 54, ए की वैल्यू आपके पास में आ गई 54, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे b की वैल्यू और c की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो देखिए आपके पास में जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 3 a अपॉन 2 के इक्वल है, यहाँ से हम देख लेंगे b इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a, a की वैल्यू हमारे पास आई है 54 अपॉन में 2, 2 से कैसे कर देंगे 27, ठीक है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 3 4 7 3 4 21 1 2 11 6 4 2 की वैल्यू कितनी हो गई 51, ठीक है, c की वैल्यू बताइए आपके पास कितनी है 2a, ठीक है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 54, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 108, तो c की वैल्यू हो गई 108, b की वैल्यू हो गई 81 और a की वैल्यू क्या हो गई 54, आगे समझ में, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 243 है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने लिख दिया ए बी द फर्स्ट पार्ट, बी बी द सेकंड पार्ट एंड सी बी द थर्ड पार्ट, फिर क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रहा है।